विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं सबके सहयोग से इस बड़े पैमाने पर आयोजन हो सका। दो साल पहले भी मैं यहां आया था, दो साल में जो बदलाव हुआ है मैं उसे महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। टूरिज्म हमारी प्राचीन संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसीलिए हम अतिथि देवो भव केवल कहते नहीं हैं बल्कि जीते हैं। मेहमान को मेहमान नहीं भगवान का दर्जा हमारे यहां दिया गया है। कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया है, जैसा मेरे पूर्व सेक्रेटरी टूरिज्म और डिविजनल कमिश्नर ने बताया। आज यूनियन टेरिटरी के आप भी डेस्टिनेशंस और अब तक के अनजाने अनदेखे प्राकृतिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को, टूरिस्ट की कुल संख्या 1,88,00,000 थी, अब 31 अगस्त तक 1,58,00,000 टूरिस्ट आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं इस वर्ष ये आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाएगा। बीच के कुछ दशकों में इसकी आत्मा पर गहरी चोट करने की कोशिश की गई, इसकी सहजता सरलता और आतिथ्य भावना को सुनियोजित तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आज मैं कह सकता हूं इस दर्शनीय यूनियन टेरिटरी की यात्रा लोग करें, उनके पड़ोसी करें, उनके मित्र करें, उनके संबंधी करें, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उन सभी मेहमानों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसे आदेश मानकर आने वाले दिनों में हम सभी मेहमानों के अनुभव और उनके प्रवास को सुखद बनाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, ख़ास तौर पे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी का। आई थिंक हम सब की कोशिश है कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है टूरिज्म मैप पे आए और एक जो एक लेजिटिमेट जगह है, राइटफुल प्लेस है टूरिज्म की मैप पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की, जो डिज़र्व करता है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, वो उसे मिले। और उसी सिलसिले में जो है हमारी कोशिश रही है कि जो ऐसी डेस्टिनेशंस है जैसे बंगस में आज हम आए, इतनी खूबसूरत वादी है, जो इसका प्रमोशन हो और आने वाले टाइम में ये डेवलप हो एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ताकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि पूरे मुल्क के और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जो है सयाह आएँ और इस वादी का जो है लुत्फानंदोज फ़ायदा उठाएं। आई थिंक एक बैलेंस की ज़रूरत है जो LG साहब कह रहे थे, चूँकि जब तक प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व नहीं होगा हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और प्राइवेट सेक्टर का जो है इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, गुलमर्ग है, वहाँ पे एक बैलेंस है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, और सिमिलरली पहलगाम ले लें या कोई भी दुनिया में कोई भी इंडिया में या J&K में कोई भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर एक बैलेंस होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को का और प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का। तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन शुरू में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक आप एक बेस नहीं बना के देंगे, जब तक आप एक शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक प्राइवेट प्लेयर भी जो है इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। तो बिल्कुल ज़रूरत है एक बैलेंस।